हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के हमारे पास यहाँ पे 13% ऑफ 258 माइनस क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 10। तो 258 का 13% है, उसमें से अगर क्वेश्चन मार्क को माइनस कर दिया जाए तो 10 के बराबर है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो पता करनी है, तो हम इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते, क्वेश्चन मार्क को दूसरी साइड ले जाते तो प्लस का हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 13% ऑफ 250, और जो 10 है दूसरी साइड उसको इस साइड ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, परसेंटेज वाली साइड। ठीक है दोस्तों, तो माइनस का हो गया। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 13% ऑफ 258 माइनस 10। तो इसको खोल लेते हैं परसेंट को, 258 का 13% निकाल लेते हैं। 258 इंटू 13 ओवर 100, 13% निकाल लिया, माइनस 10 तो है ही ऑलरेडी। तो ये 13% कितना आ जाता है इसका, 258 का 13% अगर हम निकालते तो ये आता 33.54%, 33.54, और माइनस 10 है तो 33 में से माइनस 10 करते तो 23.54 इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाता है। सिंपल था दोस्तों, उम्मीद है समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।